क्लास सिक्स की सोशल साइंस के थर्ड सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले हम ज्योग्राफी देख चुके हैं, हिस्ट्री देख चुके हैं, अब हम सोशल साइंस का थर्ड सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट होते हैं सोशल साइंस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसको कहते हैं सिविक्स। इसका नाम, ओरिजिनल नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, कि हमारे आसपास क्या-क्या होता है सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में, मतलब जैसे पुलिस क्या करती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, नगर पालिका या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है। तो ये सारी बातें जो हम पढ़ते हैं वो इस बुक में पढ़ते हैं। जैसे इतिहास में हम राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में हम मैप के बारे में पढ़ते हैं, हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ही इसमें हम सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसमें जो जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको समझना है कि डाइवर्सिटी क्या है। तो उसमें इन्होंने दिया है कि हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मन है। तो आप रोज ही स्कूल में गाते हैं जब भी स्कूल लगता है, तो उसमें आता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। तो ये लाइन क्यों आती है? तो इसी के लिए हम समझेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यहाँ लिखा हुआ है। मैं कुछ मेन मेन चीज़ें ही पढ़कर सुनाऊंगा, बाकी आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल बहुत रहते हैं और वो एग्जाम्पल आपके लिए रहते हैं कि आपको खुद को पढ़ के करना है। लुक अराउंड यू इन क्लासरूम, आप क्लासरूम में अपने आसपास देखिए, क्या आप देखते हैं हु एनी वन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू, क्या किसी को देखते हैं जो आपके जैसा एग्जैक्टली दिखता है? तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, तो क्या ऐसा दिखता है आपको, एग्जैक्टली दिखता है बिल्कुल आपके जैसा कोई? तो आपके जैसा एकदम एग्जैक्टली कोई नहीं होता। तो आपका जुड़वा भाई भले ही हो सकता है, जुड़वा बहन आपकी हो सकती है एकदम एग्जैक्टली, लेकिन हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक, तो हम डाइवर्सिटी क्या है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो डाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं विभिन्नता। तो हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो हमसे कई चीज़ों में अलग रहते हैं। लिखा है इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज, नॉट ओनली दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। अब ऐसा नहीं कि लोग एक दूसरे से केवल अलग दिखते हैं, और भी मामलों में अलग होते हैं। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई किसी धर्म का होता है, कोई किसी धर्म का होता है। दीज डिफरेंसेस इनरिच आवर लाइफ इन मैनी वेज, और यही जो डिफरेंस होते हैं हमारी ज़िंदगी को कई तरीके से इनरिच करते हैं और उसको बहुत फन, हमारी ज़िंदगी में बहुत फन लाते हैं। जैसे आपको रोज़ एक ही तरह का खाना दे दिया जाए, रोज़ एक ही तरह का खाना दे दिया जाए, तो आप कहोगे मम्मी एक ही तरह का खाना दे रहे हो आप, कुछ अलग बनाओ। तो डाइवर्सिटी से फन आता है और नहीं तो बोरियत हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो इंडिया को इंटरेस्टिंग और डाइवर्स बनाते हैं। ये लिखा हुआ पढ़िए, ऑल दीज डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बैकग्राउंड, जो सभी तरह के बैकग्राउंड से आते हैं और सभी प्रकार के रिलीजन और कल्चर से बिलोंग करते हैं या से संबंधित होते हैं, तो यही हमारे देश को इंटरेस्टिंग और इतना डाइवर्स बनाते हैं। तो डाइवर्सिटी से हमारी ज़िंदगी को क्या मिलता है, इंडिया ऐसा कैसे बना और क्यों है, क्या ये सभी हमारे डाइवर्सिटी के पार्ट हैं, क्या डाइवर्सिटी में यूनिटी हो सकती है,
ये सारे क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ पढ़िए, हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी। देखिए ये ड्राइंग बनाए हुए बच्चों ने। अब आपको भी एक एक्टिविटी की गई है कि आप भी सब लोग एक टॉपिक ले लीजिए कि चलो अपन बतख बनाते हैं, डक। क्या होगा? और कोई भी एक दूसरे को अपनी ड्राइंग नहीं दिखाएगा। थोड़ी देर बाद आप मैच करके देखिए, सबकी बतख अलग 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 रहेगी, बड़ा मज़ा आएगा। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। फिर ये इन्फॉर्मेशन भरने को कहा है कि आप जब बाहर जाते हैं तो क्या पहनते हैं, घर में आप कौन सी भाषा बोलते हैं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आई लाइक रीडिंग बुक्स। ये सब जब आप भरेंगे और जब एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो आपको डाइवर्सिटी पता चल जाएगी। इस पेज में यही लिखा हुआ है। हम मेकिंग फ्रेंड, यहाँ पर एक कहानी दी हुई है कि दो समीर नाम के व्यक्ति होते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आप इसको पढ़िएगा। तो वो कह रहा है कि एक दिन मैं रोज एक क्रॉसिंग पर रुकता था, एक लड़का आके मेरे को न्यूज़पेपर देता था, वो न्यूज़पेपर बेचता था। और मैंने उससे एक दिन हिंदी का न्यूज़पेपर मांगा, तो फिर हम दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। वो कहने लगा कि आपको हिंदी आती है? मैंने कहा हाँ आती है। तो बोले मैंने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी। तो बोले सब्जेक्ट क्या होता है? तो बोले स्कूल। उसको ये नहीं मालूम था क्योंकि जो पेपर बेचने वाला लड़का था वो कभी स्कूल ही नहीं गया था, तो उसको कैसे पता चलता। फिर जो पेपर बेच रहा था वो मुस्लिम था, और जो पेपर खरीद रहा था वो हिंदू था। जो पेपर बेच रहा था वो गरीब था, जो पेपर खरीद रहा था वो अच्छे परिवार का था। पर एक मज़ेदार बात रहती दोनों की कि दोनों का नाम समीर रहता है। तो उसने उन्होंने कहा एक का नाम समीर एक और एक का नाम समीर दो। पढ़िएगा आप इस स्टोरी को, आपको पढ़ना है, यही है जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ। फिर क्या होता है, वो मेरठ का रहने वाला रहता है, अखबार वाला। एक दिन वो मैं पूछता हूँ उससे, रोज़ वो मुझसे मिलता। तो एक दिन मैंने उससे पूछा तो बोले मैं गांव जा रहा हूँ, गांव में कुछ प्रॉब्लम आ गई, मेरी मदर गांव में रहती। तो अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ये देखिए, अब ये लिस्ट लिखा हुआ है, ये इधर आप लास्ट में देखिए कि मेक अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय टू बॉयज। ये आपको लिखना नहीं है अभी, अभी समझना है डाइवर्सिटी क्या है। पूरी बुक में ऐसा दिया रहेगा, कोई कहानी दी रहेगी, फिर उस पर क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो समीर एक और समीर दो, समीर एक मैंने आपको बताया, समीर एक हिंदू था और समीर दो मुस्लिम था। तो बताइए कौन कौन से फेस्टिवल वो लोग, अब हिंदू लोग कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं। फिर ये डिस्कस करने को बोल रहा, देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है डिस्कस करने को कि क्या सोचते हैं आप, कि एक स्कूल जाता था एक स्कूल नहीं जाता था, तो क्या क्यों नहीं जाता रहा होगा। तो यही डाइवर्सिटी है, चाहे उनके दोनों के धर्म ले लो, चाहे दोनों के पैसे की स्टेटस ले लो, एक आदमी गरीब है एक आदमी अमीर है। तो इंडिया में ऐसा बहुत सारी जगह है। फिर लिखा हुआ है इसी में देखिए, अब जो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम में भी आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। कोई जैसे हिंदू, अपन बोलते हैं हिंदू है, अब हिंदू है तो क्या, फिर उसमें भी आपको कई वैरायटी मिलेगी कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई कोई कास्ट का है, कोई कोई कास्ट का है। तो इंडिया में कास्टसिज्म के कारण भी डाइवर्सिटी है और कई जगह इनक्वालिटी है। सभी धर्मों में ऐसा है, क्रिश्चियन में रोमन और कैथलिक दो तरह के क्रिश्चियन होते हैं, मुस्लिमों में सिया और सुन्नी होते हैं। तो व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ, तो हमारे लिए डाइवर्सिटी क्या ऐड करती है। तो
ये लिखा हुआ है, जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड, आपके भी आसपास फ्रेंड होंगे, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, आपने उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके फेस्टिवल्स देखे होंगे अलग अलग तरह से, उनके कपड़े देखे होंगे कि वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो यही चीज़ हमारे डाइवर्सिटी जो होती है वो हमको क्या लाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है चीज़ों को। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि यदि आपको आपकी मम्मी रोज़ आपको एक ही तरह का खाना देगी तो आपको कैसा लगेगा। तब ये लिखा हुआ, मेक अ लिस्ट ऑफ फूड यू हैव ईटन, मेक अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज। अब लिस्ट बनाने का मतलब ये है कि आपको सोचना है कि आज के आसपास लोग क्या क्या बोलते हैं, आपके आसपास लोग क्या क्या खाते हैं। ये सब्जेक्ट ऐसा ही है, ये सब्जेक्ट में आसपास की बातें ज़्यादा होती। क्लियर आया, बात आई समझ में। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रहा है कि हमको कैसी स्टोरी अच्छी लगती है, लिखा हुआ यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरी। कैसी स्टोरी अच्छी लगती है, एडवेंचर कुछ एनिमल की, पीपल की, घोस्ट की, क्यों अच्छी लगती है। अब आपको रोज एक ही एक कहानी सुनाए, एक खरगोश था एक कछुआ था, और खरगोश तेज दौड़ता था, कछुआ धीरे दौड़ता था, और एक दिन रेस हुई लेकिन खरगोश क्या हुआ, खरगोश को सो गया, कछुआ जीत। अब रोज हम एक ही एक कहानी सुनाएंगे तो कैसा लगेगा आपको। तो हर चीज में हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए बताइए, डाइवर्सिटी। आया समझ में, आई डाइवर्सिटी। तो ये सारी चीज़ें डाइवर्सिटी के लिए बताई गई, इतने सारे एग्जांपल दिए गए डाइवर्सिटी को बताने के लिए। अब आपसे पढ़ाया जा रहा है डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो चलिए अब इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, इंडिया कई डाइवर्सिटीज़ की, कई विभिन्नताओं का देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, हम लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, कई अलग अलग धर्म मानते हैं। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ मानना, बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वे, और जिनको हम अलग अलग तरीके से करते हैं तो उन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। जैसे ये डाइवर्सिटी दी गई है, ये एक टेबल दी गई है, जैसे पहले क्या होता था, अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स अगो, लॉन्ग बिफोर द ट्रेन एरोप्लेन बस कार बिकेम द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप, हॉर्स, कैमल और फूट, इस पे जाते थे। ये एक टेबल दी गई है जैसे लिखा हुआ है कि डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे। अब आप अलग अलग धर्मों के लोग कैसे कैसे प्रे करते हैं, मतलब कैसे कैसे प्रार्थना करते हैं, जैसे कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई कुछ भजन गाता है, कोई नमाज पढ़ता है, ये सारी चीज़ें इसमें भरनी है। पढ़ के देखिएगा कौन सी ड्रेस ये वो। तो यही सब चीज़ें क्या हैं, क्या है बताइए, डाइवर्सिटी है। आया समझ में, डाइवर्सिटी अभी भी समझ में आई। तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो अब हम अब बाकी की चीज़ें आप पढ़कर देखिएगा, यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या दिया हुआ है। अब इसमें एक बात और है, ये यहाँ पर पढ़ेंगे थर्ड पैराग्राफ में, द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस, हमारे को कई जगह का इतिहास बताता है कि हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस हैव हेल्प टू शेप द लाइफ एंड कल्चर देयर, कि कहीं पर किस तरह से वहाँ की हिस्ट्री ने वहाँ की लाइफ को चेंज किया। अब इसको आपको दो उदाहरण से देकर समझाया जा रहा है। एक एग्जांपल लिया जा रहा है जिसे लिखा हुआ है, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एटलस, केरल और लद्दाख को देखिए। केरल और लद्दाख में आपको बताना है कि फूड क्या खाते हैं लोग, कपड़े कैसे पहनते हैं और क्या काम करते हैं। तो लद्दाख क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट का मतलब वहाँ बर्फ गिरती है मगर वहाँ ज़्यादा पानी नहीं है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, केवल गर्मी के सीज़न में जब बर्फ थोड़ी पिघलती है तो वहाँ पानी रहता, नहीं तो वहाँ इतनी ठंडी रहती है, -40 डिग्री रहती है कि लोगों के पास पानी नहीं रहता, इसलिए इसको डेजर्ट कहते हैं। क्योंकि वहाँ रियल में पानी की बारिश, मतलब पानी की कमी है और बारिश होती नहीं।
लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन माउंटेन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज़ कवर्ड विद स्नो फॉर लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर. देयर आर फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग सो ड्यूरिंग समर मंथ. अब ये वहाँ की स्थिति है, कहाँ की, लद्दाख की. हम लद्दाख और केरल की कंपेरिजन करते हैं. अब वहाँ पर लोग क्या होता है, शीप पालते हैं और गोट पालते हैं, और पश्मीना वूल करके एक वूल होता है, ऊन का नाम है, जिसको वो निकालते हैं और फिर उसे भेजते हैं कश्मीर. उसकी शाल बनती है और वो बहुत महंगी बिकती है. पढ़िएगा उसके बारे में. लोग क्या खाते हैं वहाँ पर, वहाँ पर मीट और मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर यही चीज़ ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ पर खेती ज़्यादा नहीं हो पाती, तो वहाँ यही चीज़ें ज़्यादा खाते हैं. वहाँ पर जो है बुद्ध, कौन कौन से धर्म है, तो वहाँ बुद्धिज़्म है, वहाँ पर मुस्लिम है, और वहाँ का नेशनल लिपिक केसर साका है, जिसको मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों गाते हैं. तिब्बतन नेशनल लिपिक द केसर साका वहाँ पर है, जो दोनों लोग मिलकर गाते हैं. के अब केरल की बात करते हैं. केरल यदि मैप में देखेंगे तो वो सबसे नीचे की तरफ, इंडिया के मैप में देखिएगा, वो सी से सब तरफ से घिरा हुआ है. वहाँ की खासियत है, देखो दोनों की तुलना हो रही है, वो वहाँ पर वो डेजर्ट है, कौन, लद्दाख, और केरल क्या है, वो सी साइड, एक तरफ सी और दूसरी तरफ हिल से घिरा हुआ है. बहुत सारी यहाँ पर स्पाइसेस होती हैं, जैसे पेपर, क्लोव, कार्डमम. पेपर माने होता है काली मिर्च, क्लोव माने लौंग, और कार्डमम माने इलायची. यहाँ पर ज्यूस, अरब, ये लोग रहते हैं, मतलब ट्रेडर्स लोग यहाँ पर आए बहुत पहले. ज्यूस मतलब होता है यहूदी, अरब मतलब होता है अरब कंट्री के जो लोग आए थे, और सेंट थॉमस का पुजल यहाँ पर है, तो क्रिश्चियन लोग भी यहाँ पर हैं. और इस प्रकार से इब्न बतूता करके, एक आपने सुना होगा इब्न बतूता पहन के जूता, तो यह लगाना सुना होगा. तो वो इब्न बतूता वाकई में एक मतलब बाहर से आया हुआ ट्रैवलर था, जो हमारे इंडिया में आया था. तो पोर्तुगीज़ यहाँ पर आए थे अंग्रेज़ों के पहले, पुर्तगाली यहाँ पर आए थे. पोर्तुगीज़ जो है वास्को डिगामा जो थे, वो यहाँ पर आए थे खोजते हुए. क्या खोजा उन्होंने, मैं आपको कभी जब मैप में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा. कि पहले लोग क्या होता था, समुद्र, क्योंकि एरोप्लेन चलते नहीं थे, तो समुद्र में रास्ते खोजते थे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की कोशिश करते थे. तो वास्को डिगामा आया था यहाँ पर, और उसने एक खोज की थी. अब यहाँ पर कई, केरल के कौन कौन से धर्म होगा, देखिए, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म और बुद्धिज्म. अब यहाँ पर चाइना का भी प्रभाव मिलता है, क्योंकि यहाँ की दो चीज़ों का नाम चाइना पर है. एक है चीना चट्टी नाम की चीज़ है. अब क्या होती चीना चट्टी, ये एक यूटेंसिल का नाम, यूटेंसिल मतलब होता है बर्तन, और एक का नाम चीना वाला है. चीना वाला क्या है, यहाँ एक जाल, नेट का नाम है, जिससे मछली पकड़ते हैं. तो अब जब हम दोनों की तुलना करते हैं, तो हमको क्या पता चलता है कि एक तरफ चाइना और अरब ट्रेडर का प्रभाव है, एक तरफ वहाँ की ज्योग्राफी का प्रभाव है, कि वहाँ पर एक तरफ डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, तो लोग मजबूर हैं कुछ तरह की खास चीज़ें खाने के लिए, कि वो मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट खा रहे हैं. एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें डाइवर्सिटी को बताती हैं. अब लास्ट में पढ़ते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बिन रिकोगनाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, उसको हमेशा उसकी शक्ति माना गया है. जब ब्रिटिश ने यहाँ पर रूल किया, जब अंग्रेज़ों ने रूल किया, तो सारे, मतलब लोगों ने ये नहीं कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम ये वाली कास्ट के हैं, हम ये वाले धर्म के, सब ने मिल करके उनको हराया. किनको, अंग्रेज़ों को. कई लोग जेल में गए, कई लोगों ने कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ब्रिटिश को अपोज किया. पढ़ो, पढ़िए, लिखा है उसमें. फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल, डिफरेंट बैकग्राउंड, दे वर्क टूगेदर.
और ब्रिटिश ने सोचा कि वो इंडियन को डिवाइड कर लेंगे क्योंकि वो इतने सारे लोग हैं, तो अब हम भंड को भड़काएंगे कि अरे तुम तो ये हो, तुम तो केरल के हो, तुम तो लद्दाख के हो। लेकिन लोगों ने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, हम ऐसा नहीं मानेंगे, हमारा इंडिया है ये। और मिल करके उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई। एक पोयम दी गई है, ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड पे लिखी गई है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। हमारा देश 1947 में, 1947 में आज़ाद हुआ था, और 1947 में, तो 1919 में जब सब लोग मिलकर के एक मतलब अमृतसर में एक बाग है जलियांवाला बाग, वहाँ बैठ के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध करने के लिए एक जुलूस की तैयारी कर रहे थे या मीटिंग कर रहे थे। अचानक से वहाँ पर एक अंग्रेज़ आया बहुत सारे सैनिकों के साथ, उसने क्या किया, सारे गेट बंद किए और एकदम ताबड़तोड़ वहाँ पर गोलियाँ चलाईं। इतनी गोलियां चलाई कि लोग जो है सब मर गए, बच्चे छोटे बच्चे, वहाँ पर एक कुआं था उसमें गिर के मर गए, सब कूद गए उसी में, और बहुत बुरी तरह से लोग मर गए। तो उनके सम्मान में ये गाना गाया गया। और इस तरह से मतलब वहाँ पर मेमोरी ऑफ ब्रेव पीपल पे ये गाना गाया गया, और बहुत पूरे मतलब वर्ल्ड में इस चीज़ को बहुत निंदा हुई। सारे लोग अंग्रेज़ों को कहने लगे कि कितना गंदे हो तुम, और उनको समझ में आ गया पूरे वर्ल्ड को कि देखो कैसे गंदे लोग हैं ये। तो ये लिखा है, सॉन्ग एंड सिंबल दैट इमर्ज ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड डाइवर्सिटी। तो यही हमारे जो गाने उस समय में बने, जैसे जनगणमन उस समय में बना, वंदे मातरम बना, और भी जो गाने बने, कई गाने आपने देशभक्ति के सुने होंगे, तो उसमें वो कई जाति के, कई धर्म के लोगों ने गाने बनाए, लेकिन सब में एक ही बात थी कि भारत हमारा देश। पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है, लिखा हुआ है इन हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि इंडिपेंड हमारे इंडिया में जो यूनिटी है वो किसी ने बाहर से नहीं लाई, लोग अपने आप में महसूस करते हैं। और नेहरू जी ने ये शब्द निकाला था कि हमारे देश में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तब शुरू में जो नेशनल एंथम की बात करते हैं, नेशनल एंथम किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, तो उसमें भी यूनिटी ऑफ इंडिया हमको दिखती है। तो जो अभी आपने पढ़ा वो सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश की गई कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, समझ में आकर डाइवर्सिटी वर्ड, उसमें यूनिटी है। अब क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर बहुत सरल होते हैं। सबसे पहले तो बुक के अंदर के एक दो क्वेश्चंस, जैसे जनगणमन किसने लिखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है, कहाँ पे पढ़े थे अपन ने, केरल में, केरल जो है वो किस तरह का लैंड मतलब किस तरह का इलाका है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बुक के बीच में कभी कभी पूछते हैं। बाकी आप देखिए, ये क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है कि आपके आसपास ड्रा अप अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो उनकी स्पेलिंग हमको याद होना चाहिए कि हमारे लोकेलिटी में हिंदू लोग ये मनाते हैं, मुस्लिम लोग ये मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग ये मनाते हैं। विच ऑफ दीज सेलिब्रेशन आर शेयर्ड बाय मेम्बर ऑफ डिफरेंट रीजन, कौन कौन से लोग जो है बाकी सारे फेस्टिवल्स को शेयर भी करते हैं। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये कैसे दो फेस्टिवल होते हैं जिनको सभी लोग मनाते हैं। उसमें ये नहीं बोलते कि भैया हम ईद है, ईद जो है हिंदू लोग नहीं मनाते, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त ऐसे फेस्टिवल हैं जो दोनों लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ, आपको क्या लगता है कि डाइवर्सिटी होने से आपकी लाइफ में कौन सी दो चीज़ें मिलती हैं। जैसे मैंने आपको फूड का एग्जांपल दिया, तो डाइवर्सिटी होने से क्या होता है, डाइवर्सिटी होने से लाइफ जो होती है फुल ऑफ फन होती है और इंटरेस्टिंग होती है। ये दो वर्ड हमको यहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, नेहरू जी ने अपनी किताब में यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों लिखा है।
यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हम लिखेंगे, मतलब कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं मगर वो सब मिल करके एक साथ रहते हैं, यही यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर आपको वो जो जलियांवाला बाग पे पोएम लिखी गई है उसको फिर से पढ़ना है। जलियांवाला बाग मैसकर, मैसकर मतलब होता है हत्याकांड, जिसमें मैंने आपको बताया था जनरल डायर ने बहुत सारे लोगों को मार डाला था। तो उसके पोएम पे अंडरलाइन करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि इंडिया में यूनिटी दिखती है, जो ढूंढिएगा कौन सी लाइन है वो। और चूज़ अनदर रीजन ऑफ इंडिया डू अ सिमिलर स्टडी हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल। जैसे हमने आपको केरल का और लद्दाख, ये एक एक्टिविटी है केरल और लद्दाख के बारे में जो बताया, ऐसी कोई एक जगह को ढूंढिए अपने आसपास, जैसे मध्य प्रदेश ही ढूंढ लीजिए और उसमें क्या क्या है वो सब, जैसे उसमें लिखा हुआ है वैसे मध्य प्रदेश के बारे में लिखिए। पता लगाइए कि यहाँ पर कितनी बारिश होती है, यहाँ पर कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पर क्या मेन काम होता है, ये सब आपको पता करना है, एक एक्टिविटी। तो देखिए अब क्वेश्चन आंसर इसमें है ही नहीं, इसमें एक ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, फेस्टिवल की लिस्ट का नाम बताइए, जो अपन को पहले से मालूम है। तो देखने में ये सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन ये बहुत ईजी होता है, बहुत सारी ईजी चीज़ें इसमें दी गई हैं और बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो आप, मैं जो भी क्वेश्चंस के आंसर भेजूंगा तो वो आप किसी भी पुरानी कॉपी में अच्छे से लिखिएगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिखिएगा, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और सिविक्स के पहले पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप एक साथ भी लिख सकते हैं, यदि आप पेज में लिख रहे हैं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम, कैसा लगा आपको बताइएगा शेयर करके, और सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच।